बिजनौर सदर तहसील में उस वक्त हंगामा हो गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ता का ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर तहसीलदार व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में न सिर्फ नोकझोंक हुई बल्कि जोरदार हंगामा किया। सूचना पर एसडीएम सदर व शहर कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के विभाग संयोजक आशीष बालियान ने बताया, मैं आशीष बालियान विभाग संयोजक बजरंग दल बिजनौर। हमारे कार्यकर्ता का ईडब्ल्यूएस का एक रजिस्ट्रेशन होना था, वो कि हमने 14 दिन पहले ऑनलाइन कराया था। मेरी परसों महेंद्र सिंह जो उस क्षेत्र के पटवारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने आज 11 बजे देने के लिए वादा किया था। एक बालिका जिसका एडमिशन वर्धमान कॉलेज में होना था उसको उसकी आवश्यकता थी। हमने कार्यकर्ता को तहसीलदार से बात करने के लिए भेजा, उन्होंने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मैं तहसीलदार के पास पहुंचा, मेरे साथ 3-4 कार्यकर्ता और थे। तहसीलदार से जैसे जाके परिचय हुआ, बातचीत करनी शुरू करी, उन्होंने सीधे कहा, हमारे साथ गाली गलौज करी कि मैं ऐसा वैसा तहसील, ऐसी सीधी गाली मुझे दी। और तुरंत क्या कहते, जहां उनके पास एक आदमी खड़ा था, तुरंत पूरे स्टाफ को बुलाइए और सबको वहां से क्या कहते कार्यकर्ताओं को अपने ऑफिस से बाहर खदेड़ दिया गया। उसके बाद पुलिस ने भी हमारे साथ वैसा ही रवैया बरता है जैसा कि तहसीलदार ने बरता। हमको गाड़ियों में बैठाकर थाने के अंदर लाया गया, हमारे साथ अभद्रता करी गई है पूरी तरीके से। संगठन को उठाकर ताक पर रख दिया, संगठन को कह दिया कि देख लेंगे जो भी करेगा संगठन। अब क्या निर्णय हुआ? अभी कोई निर्णय नहीं मिला है, अभी देखेंगे, संगठन से बातचीत करेंगे, अभी आगे और क्या हो सकता है। तो वहाँ हाथापाई भी हुई है आप लोगों की? नहीं, हमारी कोई हाथापाई तो नहीं हुई है, लेकिन गाली बहुत दी है हमारे तहसीलदार। मैं ऐसा वैसा तहसीलदार नहीं हूँ, मैं दूसरे किस्म का तहसीलदार हूँ। क्या अभी तक रुके हुए हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए कितनी बड़ी दादागिरी है, उनकी ट्रांसफर होने के बाद भी यहाँ रुके हुए हैं। रुकी बात है कि हम क्यों नहीं मिलन दे, क्यों नहीं जान दे रहे हैं। वही इस मामले में एसडीएम विजय वर्धन तोमर ने बताया, एक ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र था जैसा बताया गया कि कुछ बजरंग वाले कार्यकर्ता वहाँ पे गए थे और तहसीलदार साहब से बात हुई थी कि भाई ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना दीजिए। तो वो कह रहे थे हम काफ़ी देरों से तहसील के चक्कर लग रहे हैं, बन नहीं रहा है। लेकिन तहसीलदार साहब ने कहा कि भाई फॉर्म बनवा के शाम वाम तक जारी कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें अर्जेंट जरूरत है, उसमें आज ही बनेगा ये सब चीज़ करने के लिए। तो दोनों पक्ष में तहसीलदार साहब उनसे कुछ हो गया था, तो ये कुछ कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए थे। मैं अपनी तहसील पहुंचा था, हम पुलिस कोर्ट पहुंची थी, वहाँ पे इनको हम लोग सबको ले आए थे यहाँ पे थाने पर। वहीं बैठ के बात होती हुई, उनको बताया गया इस चीज़ के लिए भाई आपका प्रमाण पत्र, कोई अगर आपके किसी अधिकारी से कोई समस्या है तो आके हमें बता दिया करें, हम लोग तो बैठे ही हुए चीज़ के लिए। तो इनको बता दिया गया है और इसको उनकी भी जो कोई समस्या हो तहसील में, अगर आपको तहसील स्तर पर किसी से शिकायत हो तो आके हमें, उच्च अधिकारी बैठे हैं उनको बता दिया चाहिए, उनको बता दिया गया। तो अब ये लोग वापस, तो कोई अब कार्रवाई की जा रही है या निपट गया मामला? नहीं, कार्रवाई क्या की जा रही है, अब अपना ही लोग अपना वापस चले गए हैं। तहसील स्तर पर हम उनका जो प्रमाण पत्र समय से करवा देंगे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।